भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समरसता दिवस के रूप में मनाया। परिषद ने स्थानीय जिला पंचायत कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। समाज में समरसता व समानता से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर समरसता दिवस मनाया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आप बाबा साहेब के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई द्वारा जिला पंचायत कार्यालय में बाबा साहेब के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और माल्यार्पण किया गया, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न इकाइयों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से समरसता का भाव प्रकट करने के लिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर इकाई से समरसता दिवस के रूप में मनाती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है उस पर समरसता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रातःकाल में विभिन्न विद्यालयों में संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को समरसता का भाव उत्पन्न करने की बात कही गई। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श हैं, जो एक हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के नारे को हमारे सभी के बीच प्रेरित करने का कार्य करते थे, तो उन्हीं के विचारों का सभी छात्र छात्राओं के मध्य पहुंचाया। और उसी के बाद हमने जिला पंचायत के जो कार्यालय है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पार्जन किए और साथ में माल्यार्पण किया, जिससे हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि आज समाज में हमें जाति धर्म बिरादरी को भूलकर वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ सभी को साथ आने की जरूरत है, और एक छत के नीचे सभी लोग मिलकर भाईचारे के साथ रहें। और इसी प्रेरणा के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज विभिन्न इकाइयों में कार्यक्रम चलाया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ आने की अपील की गई। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।